हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी एंड क्लास इलेवेंथ चैप्टर थ्री मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम कर रहे थे और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स ओके हम सभी ग्राफ्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के आगे एक और क्वांटिटी आती है जर्क ठीक है वो सभी क्वान्टिटीज़ के बीच में टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ आज प्लॉट करना सीखेंगे ठीक है ग्राफ क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के थ्रू आप किस तरह से वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ठीक है सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी ठीक है क्या थी वेक्टर क्वांटिटी ठीक है ओनली वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या क्या सीखा था डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ठीक है एंड एक्सेलरेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी आती है दैट इज जर्क ठीक है वो आपके सिलेबस में नहीं है वो हायर स्टडीज में आपको पढ़ना है ठीक है सो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी जब हम एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे देन आपका जो स्लोप होगा वो जर्क होगा इसीलिए हमने ये क्वांटिटी को अभी ऐड किया है ठीक है जे ई आर के ठीक -E है जर्क चलिए तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं एंड टाइम के रिस्पेक्ट में इन सभी क्वांटिटीज के बीच में हम आज ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे और आज आपको ग्राफ्स की सारी क्लैरिटी मिल जाएगी ठीक है सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है यहां हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे वेलोसिटी को वी से एक्सेलरेशन को ए से एंड जर्क को जे से अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक है मीन्स एस टी ग्राफ ओके सो देखिए हमारे पास एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है ग्राफ प्लॉट किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने टाइम एक्सिस लेंगे हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे टाइम ठीक है टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं एंड यहाँ पर वाई एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करें ओके अब सिंपली अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ है ठीक है इस तरह का कोई कर्व है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाता है सो so, हमने डिफ्रेंशिएशन में एक टर्म सीखा था स्लोप ठीक है स्लोप क्या होता है सो so, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप की जो वैल्यू है वो टेन थीटा से डिनोट की जाती है एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है so, सो हम टेन थीटा की वैल्यू को कैसे कंसिडर करते थे वाई टू माइनस वाई वन ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है ये आपका परपेंडिकुलर एंड ये बेस तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हम एस टू माइनस एस वन कर दें ठीक है तो बेटर रहेगा एंड एक्स एक्सिस पे हमने टाइमिंग लिया है सो टी टू माइनस टी वन कर दें ठीक है इस स्लोप को स्लोप को हम यहाँ पर एस टू माइनस एस वन मींस डिस्प्लेसमेंट में चेंज सो डेल एस लिख सकते हैं एंड दैट इज डेल टी ओके चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी ठीक है वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वही वेलोसिटी होता है मीन्स आपका एस टी ग्राफ के बीच जो आपका स्लो फाइंड हुआ है ठीक है वो आपको वेलोसिटी देगा ठीक है मीन्स ये जो स्लोप है इसके थ्रू आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एस टी ग्राफ के थ्रू ठीक है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी ओके ये क्लियर है अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एस टी ग्राफ और भी क्लियर हो जाएगा ओके देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सेस पर ओके एंड दिस इज़ द टाइम एक्सेस ओके डिफरेंस लिया हमने फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी आप कोई भी ले सकते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव थर्टी इस तरह से डिवीजन में डिफ्रेंशिएट कर लिया टाइम को ओके एंड देन डिस्प्लेसमेंट टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी ले लिया ओके okay. अब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन ओके इस तरह से आपको एक ग्राफ मिला एंड देन ये हुआ आपका कॉन्स्टेंट एंड अगेन यहां से वैल्यूज हाई हो गई ओके मीन्स आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है आपको ये जो पॉइंट है ये आपको फोर्टी के अराउंड मिल रहा है ओके okay, इस पॉइंट को आप नाम दे दें ओ ए बी सी ठीक है आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी इन ओ ए रीजन ए बी रीजन एंड बी सी रीजन ओके देखिए ये जो पॉइंट है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्वेंटी डिस्लेसमेंट हुआ एंड टाइमिंग टेन और बी के लिए ट्वेंटी सो so, हम वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे ठीक है सो वेलोसिटी इन ओ ए रीजन ओ ए रीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलिए स्लोप वाई टू माइनस वाई वन ठीक है एंड एक्स टू माइनस एक्स वन ये हमने स्लोप पढ़ा है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन सो वाई टू की वैल्यू क्या है यहाँ से ट्वेंटी ठीक है जो फाइनल वैल्यू है वो ट्वेंटी है और इनिशियली हमने जीरो से स्टार्ट किया तो इनिशियल वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई एंड फाइनल वैल्यू ट्वेंटी ठीक है सो ट्वेंटी माइनस ज़ीरो एंड टाइमिंग एक्सिस पर फाइनल वैल्यू आपकी टेन हो गई इनिशियली ज़ीरो सो टेन माइनस ज़ीरो तो ये हुआ आपका कितना ट्वेंटी अपॉन टेन देट इज़ टू मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी आई ओ ए रीजन में ठीक है नाउ वेलोसिटी इन ए बी रीजन ए बी रीजन में वेलोसिटी क्या होगी ओके okay. सो so, ए बी रीजन की वेलोसिटी क्या होगी फाइनल आपका ये पॉइंट बी एंड इनिशियल आपने ए से स्टार्ट किया सो ए टू बी का है आप सो फाइनल पॉइंट पर भी वेलोसिटी आपकी फाइनल पॉइंट बी पर भी डिस्प्लेसमेंट ट्वेंटी है एंड इनिशियल पॉइंट पर भी ट्वेंटी है मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी ओके एंड हियर टाइमिंग ट्वेंटी माइनस टेन ट्वेंटी माइनस टेन बट यहाँ ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी तो जीरो हो जाएगा सो आपको वेलोसिटी क्या मिली इस रीजन में जीरो मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इन बी सी रीजन बी सी रीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी सो फाइनल आपका फोर्टी है सो फोर्टी एंड बी पॉइंट पर आपका ट्वेंटी डिसप्लेसमेंट है सो ट्वेंटी ओके टाइमिंग आपका यहाँ पर काउंट कर लें थर्टी ठीक है थर्टी एंड हीयर बी पॉइंट पर ट्वेंटी सो थर्टी माइनस ट्वेंटी हेयर ट्वेंटी माइनस टेन सो आल्सो वी गेट टू मीटर पर सेकेंड ठीक है बी सी रीजन में आपका वेलोसिटी कितना है टू मीटर पर सेकेंड तो इस तरह से आप एस टी ग्राफ के थ्रू वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम एक दूसरे केस का ठीक है अनदर एग्जाम्पल लिया हमने इस तरह से वही वैल्यूज एस टी ग्राफ ही लिया है आपने ठीक है ये टाइमिंग एक्सेस है आपका यहाँ जीरो से स्टार्ट किया फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके यर टेन ट्वेंटी एंड थर्टी ठीक है अब क्या हुआ आपका इस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट किया है ठीक है इनिशियली वैल्यूज़ इंक्रीज हुई देन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू एंड ये जो ग्राफ है ये इस तरह से मिला ये डिक्रीज हुआ अब इस तरह के ग्राफ में वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे तो आपको आपका अप्रोच वही लगाना है जो आपने पहले के क्वेश्चन में पहले के एग्जाम्पल में किया है ठीक है हम इसे ओ ए बी एंड सी रीजन में डिवाइड कर लेते हैं सो वेलोसिटी इन ओ ए रीजन ठीक है वेलोसिटी इन ओ ए रीजन ओ ए रीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन ओके वाई टू की वैल्यू क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस जीरो एंड एक्स टू टेन माइनस ज़ीरो ओके क्योंकि वाई एक्सिस पर आपका डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम एंड एक्स एक्सिस पर टाइम है सो ट्वेंटी माइनस जीरो एंड टेन माइनस ज़ीरो सो ट्वेंटी बाई टेन मीन्स टू मीटर पर सेकेंड ठीक है ये वलोसिटी आपका ओ ए रीजन में मिला एंड वलोसिडी इन ए बी रीजन सो ए बी रीजन में तो सेम है ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल सेम है सो वलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ जीरो मीटर पर सेकेंड बट इस स्लोप में किस तरह से आप वलोसिटी फाइन करेंगे सो वलोसिटी इन बी सी रीजन बी सी रीजन में आपने वालोसिटी कैसे फाइन किया सो so, फाइनल कितना है आपका यहाँ से ये जो सी पॉइंट है ये आपका फाइनल पॉइंट है ठीक है बी से स्टार्ट किया सो so, बी अब इनिशियल हो गया सो सी पॉइंट पर वलोसिटी ज़ीरो है ओके एंड पॉइंट बी पर ट्वेंटी सो जीरो माइनस ट्वेंटी अपॉन टाइमिंग कितना है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव और यहाँ से बी से टाइमिंग कितना है ट्वेंटी सो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सो ये आपको मिला ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी अपॉन फाइव सो वी गेट माइनस फोर मीटर पर सेकेंड अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है ठीक है मीन्स आपको ये कंफर्म हुआ इन टू एग्ज़ाम्पल्स से कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है ठीक है तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो का हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया अच्छा तो अब हम वेलोसिटी अगर कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको डायरेक्टली बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है ठीक है सो तो ग्राफ का जो स्लोप है वो इस तरह से हो तो तो आप इजीली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है ठीक है वो ये है कि जब आपका एंगल ठीक है एस टी ग्राफ एस टी ग्राफ की ही बात कर रहे हैं अभी हम ठीक है एस टी ग्राफ में मीन्स टाइम ग्राफ में जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप का एंगल थीटा जो है वो लेस देन नाइन्टी हो देन वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव ठीक है ये टू ट्रिक्स आपको लर्न कर लेनी है ओके जब पॉजिटिव थीटा जो एंगल है वो लेस देन नाइन्टी हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी एंड थीटा ग्रेटर देन नाइन्टी हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव ठीक है ये नेगेटिव मीन्स इस तरह से स्लोप है और ये पॉजिटिव एक्सिस से एंगल कितना है थीटा और ये मोर देन नाइन्टी डिग्री है ठीक है अगर इस तरह से कोई ग्राफ है आपके पास मीन्स एंगल मोर देन नाइन्टी है और वहां पर नेगेटिव वेलोसिटी आपको मिलेगी ठीक है यहां पर देखिए ये इस तरह से आपका ग्राफ है सिमिलरली ठीक है तो वेलोसिटी इस टर्म में नेगेटिव सो तो आपका नेगेटिव तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ को डायग्राम को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव अच्छा अभी तो हम वेलोसिटी की बात कर ली है हमने अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं अगर एक्स एस टी ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात हो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें और ग्राफ के थ्रू आप एक्सेलरेशन कैसे बता सकते हैं सो तो इसकी भी एक सिंपल ट्रिक है ठीक है एस टी ग्राफ में एस टी ग्राफ में एक्सलरेशन को फाइंड करने के लिए ठीक है अगर आपका कर्व अपवर्ड हो ठीक है कर्व कैसा हो आपका अपवर्ड हो तो आपको पॉजिटिव एक्सलरेशन मिलेगा ठीक है एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव एंड कर्व डाउनवर्ड हो कर्व डाउनवर्ड हो तो आपका एक्सलरेशन कैसा होगा नेगेटिव ठीक है एक्सेलरेशन जो है आपको नेगेटिव मिलेगा ओके okay, आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस के बीच इस तरह से ग्राफ प्लॉट है ठीक है आपको बताना है वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड एक्सलरेशन ठीक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको बताना है ठीक है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब आप फाइंड कर लेंगे देन आपको स्पीड भी पता चल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की कैसे स्पीड पता चलेगी और किस तरह से स्पीड दोनों के साइन पर डिपेंड रहती है ठीक है वो हमें इस एग्जांपल में सीखेंगे ठीक है तो हमारा एस टी वर्सेज ग्राफ है अब देखिए ये जो कर्व है ये आपका अपवर्ड है अपवर्ड है इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा ठीक है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ये क्लियर है आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव अब अब फाइंड करेंगे आप वेलोसिटी तो वेलोसिटी के लिए क्या करना है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ग्राफ या स्लो फाइंड आउट करना है ठीक है तो स्लो आपको कैसे मिलेगा इस कर के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें ठीक है इस तरह से इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ तो किया तो टेंजेंट ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस से देखिए थीटा जो है वो लेस देन नाइन्टी डिग्री है सो लेस देन नाइन्टी हो ठीक है थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन नाइन्टी हो तो वेलोसिटी क्या होती है पॉजिटिव सो पॉजिटिव ठीक है तो इस केस में आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव मिले और अगर दोनों पॉजिटिव हैं ठीक है थीके? इस कंडीशन में आपका जो स्पीड होगी वो होगी इंक्रीज ठीक है मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मोशन करेगा ओके okay. कब जब दोनों चीजें ठीक है दोनों चीजें या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सब सेम साइन हो ठीक है सिंपली कह सकते हैं कि एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी का साइन जब सेम हो ठीक है माइनस माइनस या पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन हो तो जो स्पीड होगी वो आपको मिलेगी इंक्रीज ठीक है इंक्रीज स्पीड मिलेगी एंड जब ऑपोजिट साइन हो ठीक है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव इस कंडीशन में आपका जो स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा ठीक है तो इस तरह से एक सिंपल ट्रिक से आप स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की ओके चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है अभी हमने ये सभी जो ग्राफ प्लॉट किए थे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ठीक है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हमने सभी ग्राफ्स अभी सीखे थे अब हम वेलोसिटी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ फाइंड आउट करते हैं ठीक है ओके वी टी ग्राफ क्या होता है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ठीक है सिंपली आपको वाई एक्सिस पे वेलोसिटी देंगे एंड वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड ठीक है इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का सेकेंड ठीक है इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ओके तो यहाँ से वेलोसिटी एंड टाइम वर्सेस ग्राफ में आप स्लोप फाइंड करेंगे तो so स्लोप होगा टेंजेंट ठीक है टेंट हीटा और टेंट हीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन स्लोप हमेशा इस तरह से फाइंड आउट करते हैं एंड हि एक्स टू माइनस एक्स वन वाई पर वेलोसिटी है सो वी टू माइनस वी वन हो जाएगा एंड एक्स एक्सिस पर टाइमिंग है सो टी टू माइनस टी वन सो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन मिला आपको स्लोप के थ्रू ओके क्लियर है इतना स्लोप so जो है वेलोसिटी टाइम के बीच में स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको एक्सलरेशन मिलेगा बट यहां पर ये जो आपका ग्राफ है इस ग्राफ के थ्रू आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट कर लें ठीक है क्या करें एरिया ऑफ दिस रीजन ओ ए बी ठीक है एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड आउट कर लें तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं सो so, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है सो बेस आपका टाइमिंग है एंड हाइट आपका वेलोसिटी है सो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सटी ग्राफ में तो हम ओनली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है स्लो फाइंड आउट करके वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं बट वीटी ग्राफ में हम एक्सलरेशन स्लोप के थ्रू एक्सलरेशन एंड एरिया के थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में आप दो क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ओके चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ठीक है एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ वी एन टी ग्राफ ठीक है इस तरह से एयर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड टेन ट्वेंटी थर्टी डिवीजन ले लिया ठीक है अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ग्राफ में एक्सलरेशन इन ओ ए रीजन एंड ए बी रीजन एंड आल्सो वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए रीजन एंड ए बी रीजन ठीक है चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन ओ ए रीजन के लिए ठीक है ओ ए रीजन के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका स्लोप स्लोप फाइंड आउट करना होगा सो स्लोप इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन सो वाई एक्सेज पर आपका वेलोसिटी है वेलोसिटी पॉइंट ए ये फाइनल पॉइंट है पॉइंट ओ आपका इनिशियल पॉइंट सो फाइनल के लिए ट्वेंटी माइनस जीरो ट्वेंटी माइनस जीरो एंड हियर टेन माइनस जीरो मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ओके चलिए नाउ एक्सेलरेशन इन ओ सॉरी ए बी रीजन ए बी रीजन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सो so, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि पॉइंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों पर जो वेलोसिटी है वो सेम है सो जीरो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज जीरो नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो so, डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट कर जी डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा एरिया ठीक है एरिया ऑफ दिस ओ ए इस पॉइंट को आप अगर सी एंड डी ठीक है सो रीजन ओ ए सी ट्राइंगल हुआ इस रीजन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें एंड इस रीजन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कंप्लीट रीजन का डिस्प्लेसमेंट आपको आ जाएगा ठीक है सो डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए रीजन ठीक है ओ ए रीजन क्या हो जाएगा एरिया एरिया फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी ठीक है एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे डिनोट कर दें एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस बेस कितना हुआ टेन टेन माइनस ज़ीरो ठीक है मीन्स बेस जो है वो टेन है क्वांटिटीज ओके सो टेन एंड डिस्प्लेसमेंट सॉरी बेस इनटू हाइट हाइट कितना है आपका ट्वेंटी ठीक है जीरो माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस जीरो सो ट्वेंटी ठीक है सो ट्वेंटी टू फाइव सा टेन सो हंड्रेड ठीक है फाइव टू सा टेन सो हंड्रेड मीटर इज द डिसमेंट इन ओ ए रीजन एंड डिस्लेसमेंट इन ए बी रीजन ए बी रीजन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है ये रेक्टेंगल ही आपका हुआ है ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है वो बात अलग है कि स्क्वायर बन जाए क्योंकि वैल्यूज अगर आपका लेंथ एंड ब्रेथ सेम वैल्यूज है तो स्क्वायर बन जाएगा ठीक है सो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ कितना है इसका कितना हो जाएगा आपका लेंथ ट्वेंटी ठीक है सो ट्वेंटी एंड यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ कितना ट्वेंटी माइनस टेन मीन्स टेन सो ट्वेंटी इंटू टेन सो टू हंड्रेड मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन ए बी रीजन ठीक है सो ये आप डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका और इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं ए टी ग्राफ मीन्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ओके ए टी ग्राफ एटी ग्राफ के थ्रू आप कौन कौन सी क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है एक्सेलेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं एंड हियर टी ठीक है एक्स एक्सेस पर टाइम कोऑर्डिनेट हुआ वाई एक्सेस पर एक्सेलेशन ओके एक्सेलेशन फाइंड आउट करने के लिए ठीक है एक्सेलेशन का जो स्लोप है उसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा ठीक है स्लोप क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन वाई वाई एक्सिस पर वैल्यूज हैं एक्सेलरेशन की ए टू माइनस ए वन एंड एक्स एक्सिस पर टाइम की सो चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द जर्क ठीक है एक नई क्वांटिटी एड होती है फिजिक्स में जो कि एक्सेलरेशन पर डिपेंड होती है ठीक है एक्सेलेशन वर्सेज टाइम पर सो so, जर्क मिला मीन्स आपका एक्सेलरेशन टाइम वर्सेज के बीच में अगर आप स्लो फाइंड आउट करें तो आपको जर्क मिलेगा बट एक्सलरेशन एंड टाइम के बीच अगर आप एरिया फाइंड करें ठीक है इस रीजन में इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है एरिया ऑफ ओ ए रीजन ओ ए बी रीजन सो आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा ओके okay. हाफ इंटू बेस टाइम एंड हाइट क्या हो जाएगा एक्सलरेशन सो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा तो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ के थ्रू आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जर्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं जर्क जो है उसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड क्यूब होता है ठीक है सो ये सिंपल से ग्राफ थे जिसमें हम ईजीली बता सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट है तो उसके थ्रू आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा और भी सारी चीजें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की इस क्लास में ठीक है अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्री फॉल बॉडी के लिए जो थ्री गाइनमेटिक क्वेश्स लिया था वो रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है ये टू टॉपिक्स आपके और बचे हैं इस चैप्टर में जो कि जल्द ही अपलोड किए कर दिए जाएंगे एंड ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा ठीक है और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि इस चैप्टर के और सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दूंगी मैं एंड यस yes, ये चैप्टर होने के बाद में ठीक है ये भी आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में एक वन शॉर्ट वीडियो सभी चैप्टर्स के आएंगे एंड वन शॉट वीडियो के जस्ट बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा ठीक है ओके सो स्टेट यून विथ एन पी सी एंड डील देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू